नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कारम। हमारे चैनल सोल्जर्स फैन यानी रियल हीरो में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हमें रिटायरमेंट के बाद क्या क्या काम अवश्य रूप से कराना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट ये काम है, और सब काम छोड़कर सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए, अपना जो डॉक्यूमेंट बनवाना है उसे तैयार रखना चाहिए, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद रीसेटलमेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट की अवश्य ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा कर देने से आपको फ़ायदेमंद ही फ़ायदेमंद रहेगा, जो आपको कभी डॉक्यूमेंट की वजह से आपको पछतावा नहीं होगा। इसलिए आप ये जानकारी अवश्य ग्रहण करें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाता रहूं। सबसे पहले रिटायरमेंट के बाद करने वाले काम ये हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में आपको रीसेटलमेंट के लिए क्या क्या आवश्यकता है, आजकल तो ऑनलाइन ही हर फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं और भर सकते हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है और जो जहां पे उनकी ज़रूरत पड़ती है, आइए चलते देखते हैं। फर्स्ट में है डिस्चार्ज बुक, जो आपको रिकॉर्ड ऑफिस से भी मिल जाता है, लेकिन सेकंड में आपको रीसेटलमेंट के लिए आपको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, आप तहसील से उसे बनवा सकते हैं, जिस पे SDM का सिग्नेचर होगा और SDM द्वारा इशू रहेगा, वो तहसील से बनवा सकते हैं। वहीं सेम उसी प्रोसीजर में कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, जिसमें आपको वो भी तहसील से बनेगा और ये दोनों लेटेस्ट का होना चाहिए। दूसरे कंडीशन में करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस समय आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये इसको भी आप बनवा सकते हैं या बाद में भी बनवा दें, तो इसकी अभी फॉर्म फिलअप करने के समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद आपके पास सिंगल फ़ोटो और ज्वाइंट फ़ोटो होना चाहिए। ज्वाइंट फ़ोटो जैसे आपके आर्मी के डॉक्यूमेंट जहां ज्वाइंट फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी वहां पे आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सिंगल फ़ोटो भी आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, जो आपके हर डॉक्यूमेंट के साथ ये मेंशन होगा, पैन कार्ड भी आपके हर डॉक्यूमेंट के साथ मेंशन होगा, और 10th और 12th की मार्कशीट जो आपने एजुकेशन क्राइटेरिया आपने एनरोलमेंट होते समय दे रखा है, और एक सर्विसमेंट होने से पहले अगर आपने अपने अलग सर्टिफिकेट या इसके ऊपर BA या BSc का अगर आपने ड्यू टू नहीं कराया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहीं तक आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको जिला सैनिक बोर्ड में ये डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पे एंट्री करानी है, जिसमें आपका आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक, PPO, सिंगल फ़ोटो 4-5 रख लें, ज्वाइंट फ़ोटो भी 2-3 रख लें। इतने डॉक्यूमेंट के साथ आपको जिला सैनिक बोर्ड पे आप जाएंगे, वहाँ से आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको पेंशनर्स का ID कार्ड आपको मिल जाएगा, आप उसके अलावा आप जॉब कार्ड में भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि कुछ वैकेंसियाँ जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आती हैं, DGR या राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू होते हुए आपके जिला सैनिक बोर्ड के ऊपर आती हैं कुछ भर्तियाँ, कुछ जॉब जैसे गार्ड्स हो गया, गार्ड्स की आती हैं, लेकिन कई संस्थाओं के लिए आती हैं, गवर्नमेंटेड भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं, दोनों होती हैं, लेकिन यहाँ पर जॉब कार्ड आप में उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो यहाँ से ये होगा कि नहीं आपको जॉब की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड पे अगर बुकलेट है तो बुकलेट भी आपको मिल जाएगी, जिसमें प्लॉट, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, खाद आदि की एजेंसी लेने की जानकारी मिल जाएगी। आपको ये बता दें कि UP में प्लॉट लेना है तो आपको 20 लाख रुपये की संपत्ति या 200 वर्ग मीटर 20 लाख रुपए की संपत्ति या 200 वर्ग मीटर के प्लॉट की रजिस्ट्री आपको फ्री है, जो स्टंप ड्यूटी होगी रजिस्ट्री की वो आपसे नहीं ली जाएगी, और UP में ये फ्री है आपके लिए। नेक्स्ट आता है ECHS सेल। ECHS सेल आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी हो वहाँ पे भी जाकर आप
इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या होंगे, ECHS कार्ड या मेडिकल स्लिप जो आपकी मिली होगी, वो टेम्परेरी मेडिकल स्लिप जो होगी वो आप ले लें, जिसके ऊपर वहाँ पे ECHS OIC का स्टम्प और सिग्नेचर लग जाएगा। वहीं पे आधार कार्ड ऑल डिपेंडेंट्स का सबका ले लें और फोटो ऑल डिपेंडेंट्स का ले लें, हो सके वो ECHS OIC इसकी मांग कर दे। इससे बेनिफिट क्या होंगे आपको, ECHS कार्ड आपका अगर आया होगा बन के तो मिल जाएगा, वरना मेडिकल स्लिप के ऊपर स्टंप और मोहर लग जाएगी और आप वहां से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इस प्रकार रजिस्टर्ड ECHS सेल में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और यहां से वो भी जानकारी मिल जाएगी, आप रेफरल बनाने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटलों की लिस्ट आपकी पता चल जाएगी और कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से हॉस्पिटल आपको एथराइज है और उनकी वैलिडिटी कब तक है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी सेवा पड़ने पर आप वहां पर डायरेक्ट जा सकते हैं और वहां से एडमिट होने के बाद आप ECHS को आप सूचित कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट करने वाला स्टेशन हेडक्वार्टर। आप यहां पे ये डॉक्यूमेंट लेकर जैसे CHD कार्ड, लिक्वर ग्रोसरी, आधार कार्ड, PPO, फोटो और डिस्चार्ज बुक, ये सब डॉक्यूमेंट लेकर आप वहां पे स्टेशन हेडक्वार्टर के पास, कंटीन में या स्टेशन हेडक्वार्टर दोनों नज़दीकी रहता है, वहां पे आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। आपका अगर CHD कार्ड नहीं बनाया तो ये डॉक्यूमेंट लेकर आप वहां से CHD कार्ड लेने के लिए फॉर्म फिलअप करके और उसे बनवा सकते हैं। वहीं पे अगर आपका CHD कार्ड बन चुका है तो आप CHD कार्ड, लिक्वर ग्रोसरी दोनों लेकर वहां पे कंटीन में आप उसे रजिस्टर्ड करके उससे सामान लेकर फर्स्ट बार देख लें, ताकि आने वाले समय में उसमें कोई दिक्कत ना हो और इस प्रकार से आप उस कंटीन में रजिस्टर्ड हो जाएंगे जिसमें सामान आपको वहां से एथराइज हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे लास्ट पॉइंट है पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, इसमें आप रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, ये क्योंकि ये लेटेस्ट जॉब के लिए ये संस्था है और जैसे भी आप आते हैं 2 या 1, 2, 3, 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने में अंदर आपको नौकरी यहां से प्रोवाइड की जाएगी। आप कैसे भी आप यहां पे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको सख्त ज़रूरत है नौकरी की, रीसेटलमेंट की, आप तो यहाँ पर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपको 100% 1 या 2 महीने के अंदर आपको तुरंत यहाँ पे जॉब मिल जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट पड़ता है डिस्चार्ज बुक, आधार कार्ड, फोटो, PPO और जो जिला सैनिक बोर्ड से आपका एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड बना हुआ है वो, और वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके डिस्चार्ज बुक पर लिखा होता है वो, इतने डॉक्यूमेंट लगाने के लेकर जाना पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण निगम में वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा देने के बाद आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या परमानेंट बेस पे आपको नौकरियाँ अवेलेबल रहेगी और वो भी लोकल नौकरियाँ आपको मिलेगी और वो भी 1, 2, 3 महीने के अंदर आपको कोशिश करेंगे आपको तुरंत मिल जाएंगी। लेकिन आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, ताकि कभी भी किसी भी समय अगर आपको ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि रीसेटलमेंट होना बहुत ही आवश्यक है तो आप तुरंत वहां पे संपर्क करें और तुरंत आप अपनी जॉब ज्वाइन करें। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सब 4 संस्थाएं हैं जहां पे आपको एक्स सर्विसमैन होने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना और विजिट कराना अति आवश्यक है। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट को आप अवश्य तैयार कर लें पहले से, ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बाकी दोस्तों तक शेयर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें तथा अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि आपके साथ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएँ आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।